let's stop fighting. गेओन जो एक लंबे सफर पर चला गया था, अब कैप टाउन लौट आया है। इसे देखकर लगता है कोई हैंग्री यंग मैन लौट आया है। काफी जोश में है, पर इरादा क्या है भाई कोई नहीं जानता, तो चलिए पता लगाएं। हेलो दोस्तों, माइक आप सबका स्वागत करता है। आज हमारे बीच है खास मेहमान जो अभी अभी अपने सफर से लौटे हैं। ये है गेओन। थैंक यू दोस्तों, हमारे पास है कुछ फोटोज जहां आप गेओन को खतरनाक स्टंट्स करते हुए देखेंगे। ये देखिए, पहाड़ चढ़ते हुए, नदी में छलांग लगाते हुए और यहां रस्सी से खाई पार करते हुए। वाह, बहुत खूब। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब मैं मशहूर होने के लिए नहीं कर रहा। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं। चुप कर, गेओन मौका मिला तो कुछ भी बोले जा रहा है। शांत हो जाइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। कोई दूसरा मेरे जैसा नहीं है, ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं गेओन को लड़ने की चुनौती देता हूँ। जाओ जाकर उस कायर से कह दो। होने दो, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। स्टार्ट इस इन्विटेशन को अच्छे से लिफाफे डाल कर ले जाओ। मुझे नियॉन सर की फिक्र हो रही है। दोबारा फिर आना। आप कौन थे? ओह व्हाट द, सामान लेने बाजार गए थे? हाँ, गेओन सर आए हैं ना, तो मैंने सोचा कुछ सब्जी वगैरह ले आऊं। दरअसल वंता, मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी। अब तुम्हें उन्हें दे देना, गेओन सर ने उन्हें लड़ने के लिए चुनौती दी है। क्या फिर से लड़ाई होगी? गेओन सर को तो गेओन से सख्त नफरत है। अब अगर ये दोनों लड़ने लगे तो काफी देर तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और गेओन सर को लड़ते में नहीं देख सकता। मुझे तो लगता है कि दोनों को शांति से बैठकर इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। इस तरह लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। उन दोनों को नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? पर कौन ये सब क्यों हो रहा है? पता नहीं, पर मैं जानती हूँ वोंता कि तुम्हें गेओन सर की फिक्र हो रही है कि कहीं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। मैं गेओन सर की फिक्र क्यों करूं? वो तो ताकतवर है। फिक्र ही करनी है तो तुम अपने गेओन सर की करो, जो मेरे गेओन सर के सामने बहुत कमजोर है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? गेओन सर किसी भी कीमत पर हारने वाले नहीं। मुझे तो बेचारे गेओन की फिक्र हो रही है, जो एक ही मुक्के में धराशाही हो जाएंगे। चुप करो वरना। वरना क्या हो? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो चलकर देखते हैं। अगर गेओन सर को कुछ आ गया तो वो गेओन को फिर ऐसे 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 मारेगी और गेओन गिर जाएगा। बढ़िया है गेओन सर वाली, अगर गेओन सर को गुस्सा आ गया तो वो गेओन को अपनी एक उंगली से उठाकर पटक देंगे, समझी? कौन वोंता, क्या कर रहे हो? देखो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। हमारे बीच से हट जाओ। ये हमारा आपस का मामला है। गेओन सर ज्यादा ताकतवर है। नहीं, गेओन सर ज्यादा ताकतवर है, समझी? मेरे से ज्यादा ताकतवर है, समझी? रखा है क्या इसको? तो मैं जिंदगी है हसीन जियो से मिलकर। वैसे निया को तुमने बात तो बड़ी पते की कही है। तुमने हमारी आंखें खोल दी, तुम बहुत अच्छी हो निया को। अब तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया है तो ये बताओ, तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे थे? ओ तो ये बात है, गेओन ने गेओन को लड़ने के लिए चुनौती दी है। वोंता, जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। मैं भी इसके लिए सॉरी कहता हूँ। दोस्तों, क्या गेओन और गेओन की लड़ाई रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? दोस्ती करना बड़ा मुश्किल होता है, पर दुश्मनी करना सबसे आसान काम है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना दोस्तों? क्या मैं गलत डायलॉग बोल गया? अगर उनमें दोस्ती वाली जरा सी भी बात होती तो वो दोस्त बन चुके होते। तो ठीक है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? प्लीज हमारी मदद करो। सुनिए सर, इस झगड़े को यही खत्म कर दीजिए। तुम अपनी ये चींकी बंद करो। कौन? ये हम दोनों के बीच की बात है। ए गेओन, कमर पर हाथ रखकर किसे डरा रहे हो? गेओन सर चलिए ना, मत लड़िए। वोंता, तुम चुप रहो। अगर पीठ दिखा के भाग गया तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा, मुझे लड़ना होगा।
आप दोनों प्लीज थोड़ा शांति से काम लीजिए। लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप दोनों के लड़ने की वजह क्या है। मुझे इस नियॉन का थोबड़ा ही पसंद नहीं, इसे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे दिल में प्यार उमड़ता है? ऐसा ही कुत्ता हूँ मैं, भागड़ बिल्ला हूँ। देखे जीत किसकी होती है। देखा तुमने, तुम्हारे ज्ञान सर मेरे सर से डर गए। मेरे ज्ञान सर तुम्हारे नियॉन से कभी नहीं डर सकते, समझी? चुप करो वरना मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। चुप करो, मैं भी तोड़ सकता हूँ। आगे तुम दोनों क्यों लड़ने लगे? हुआ क्या है? लड़ना अच्छी बात नहीं है, बच्चों को नहीं लड़ना चाहिए। Start transcending.blogspot.in। हाँ हाँ हाँ, ये शब्द सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? आओ मेरे खुशियों का दुश्मन आ गया। प्लीज कॉनर वांटा की थोड़ी मदद करो। फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। ओह, लगता है दोनों को बुरी तरह। वांटा तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है। कौन, कुछ तो बोलो। दर्द हो रहा है। आप दोनों की वजह से देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। क्या आप अभी लड़ना चाहते हैं? अगर आप दोनों दो समझदार लोगों की तरह अच्छे दोस्त होते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। क्यों, हम लोगों ने समझदारी की बात की ना नियांडर? हाँ, दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, दुश्मनी करना बहुत आसान होता है। अरे मैंने तो पहले भी यही डायलॉग बोला था। हाँ, नियांडर ने क्या साइलेंट डायलॉग मारा है। नियॉन सर मेरी हालत पर तरस खाई और ये लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। कौन? हाँ ज्ञान सर, कौन सही कह रही है? आप ये सब बंद कर दीजिए। वांटा, कहो अब तुम्हारा क्या कहना है? मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं वांटा का दिल नहीं दुखा सकता। और मैं कौन का? ठीक है तो फैसला हो गया, अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक हो। ये अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक हो गई? फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ जरूर ले जाओ, इसे तो हॉस्पिटल में भी ले जा सकता हूँ। मेरे वफादार, ये क्या है, जरा मुझे समझाओगे? ये जरूरी है क्या? कौन, सारी बात सच सच बताओ। इन सब बातों के पीछे एक वजह है। और वजह मैं बताती हूँ, ये जो कुछ भी हुआ ये सारा प्लान मैंने बनाया था। हम चाहते थे कि किसी भी तरह आप दोनों कभी ना लड़ें, इसीलिए मैंने इनसे ये सब करवाया। ये दोनों आपकी फिक्र करते हैं। आप दोनों को इन दोनों की वफादारी पर नाज होना चाहिए, और अगर आप इन्हें चाहते हैं तो वादा कीजिए कि आप दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। पर सर झूठ बोलने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। हम दोनों बस यही चाहते थे आप लड़ाई बंद कर दें। तुम दोनों ने धोखा दिया है, कहो क्या सजा दें? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने नकाबपोश नियांडर को यहाँ आने की तकलीफ दी। नियांडर हम इस हरकत के लिए शर्मिंदा हैं और माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं, जब भी किसी की मदद की पुकार सुनता हूँ मैं आ जाता हूँ। नियांडर, यानी तुम भी इस झूठ में शामिल हो? लगता है नियांडर भी एक नंबर का झूठा है। तुम्हें कब अकल आएगी? नियांडर और इन सब ने मिलकर हमें रास्ते पर लाने के लिए ये किया था। हाँ अब समझ में आया, तुमने ये सब इसलिए करवाया क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला करने से डर गए थे। मैं नहीं डरता। हाँ तुम डरते हो। ये क्या, ये तो फिर से लड़ने लगे। आइडिया रखा है क्या? तू तो मैं जिंदगी है, तीन जियो सब मिल गए। नकाबपोश नियांडर को भी ये गाना आता है। मेरे पास भी दिल है, कोई पत्थर नहीं। जो कुछ तुम सबने आज किया उसके लिए थैंक्स दोस्तों। अब से मैं लड़ाई नहीं करूँगा, फिर से मैं चला अपने लंबे सफर पर। आप फिक्र न करें, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मेरे इस फैसले से तुम खुश हो ना वांटा? चलता हूँ। अब मुझे भी चलना चाहिए। उसे थैंक्स मत कहो, मुझे गुस्सा आता है। वो अपनी मर्जी से आया था और मर्जी से चला गया। चलो घर चलते हैं। दोस्तों मैं हाजिर हूँ मशहूर लोगों की लिस्ट लेकर। इस बार फिर नंबर वन पर है नकाबपोश नियांडर। दोस्तों इस बार हमने नियांडर को देखा एक अलग ही अंदाज में। जिन्होंने नियॉन और गियोन के बीच झगड़ा नहीं होने दिया वो है नंबर दो की पोजीशन पर, यानी कि वांटा
वफादारी का बेहतरीन सबूत दिया है। कंग्रेचुलेशन। हाँ, तुम मशहूर लोगों की लिस्ट में कैसे पहुँच गई, ये मुझसे सहन नहीं होता। नियॉन खान के जज्बात कभी समझ नहीं पाएगा, ना ही वो समझ पाएगा लोगों के मशवरे। पर आज भी मशहूर लोगों के लिस्ट में नंबर वन बनने का उसका सपना सपना ही रह गया। देखते हैं अगले एपिसोड में ये क्या करता है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड देखना न भूलें, जहाँ होगी नई कहानी, नया रोमांच और नया मनोरंजन।